कोरोना वायरस को लेकर शनिवार को रतौर में किसी व्यक्ति के कोरोना वायरस से पीड़ित होने की अफवाह फैल गई, जिससे शहर के लोगों में दहशत फैल गई। इस मामले संबंधी रतौर सरकारी अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि अभी तक कोरोना के संक्रमण से प्रभावित कोई भी मामला सामने नहीं आया है। साथ ही उन्होंने बताया कि रतौर में विदेशों से 28 लोग आए हुए हैं, जिनकी विभाग की ओर से रोजाना जाँच की जा रही है और अब तक किसी में कोरोना के लक्षण नहीं मिले हैं। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, लगातार हम उनके टच में हैं और सबसे अच्छी बात है कि लोग भी हमें इस बात के लिए जागरूक कर रहे हैं कि कौन कहां से आया है। अभी तक हमारे पास 28 केस हैं, वो आ चुके हैं। इन 28 केसेस में से 22 केसेस ऐसे हैं जो पिछली 22 तारीख के बाद आए हैं और जो 6 केसेस हैं वो अपना क्वारंटाइन पीरियड यानी कि 28 दिन का जो पीरियड है पूरा कर चुके हैं। इनमें कोई सिम्टम कोई साइन देखने को नहीं मिला। जो ये दूसरे केसेस भी हैं, इनमें लगातार हमारी टीम्स हैं, इनसे टच में हैं और पूछ रहे हैं इनसे कि इनको किसी तरह का कोई सिम्टम, कोई बुखार, कोई गले में दर्द, खांसी, सांस में दिक्कत, वो किसी में भी नहीं पाई गई। और अभी तक हमारे यहाँ ब्लॉक से किसी तरह का भी कोई कोरोना वायरस पॉजिटिव केस रिपोर्ट नहीं किया गया। और ये अफवाहें हैं कि ये केस हो गया, वो हो गया। आप वो सिर्फ अधिकृत जो है इस बात को डिक्लेयर करेंगे कि कौन से केसेज आए, कितने केसेज आए, वो सिविल सर्जन यमुनानगर और हमारे डिप्टी कमिश्नर यमुनानगर हैं, वही इस बात की डिक्लेरेशन करेंगे कि कौन से केसेज आए हैं, पॉजिटिव हैं और कितने केसेज हैं। अन्यथा आप किसी भी तरह की कोई भी जो खबरें चल रही हैं, रूमर्स फैल रही हैं, उन पर ध्यान ना दें।